हेलो दोस्तों, कूट कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ होली की सीरीज़। तो आज एक बहुत ही आसान सा DIY मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए ये पेपर वाले जो ग्लासेस आते हैं, जो कॉफ़ी के लिए यूज़ होते हैं, वो हमें लेने हैं यहाँ पर। और उसका नीचे का पार्ट को हमको इस तरीके से पेपर कटर की हेल्प से कट करके निकाल देना है। एक चीज़ को बनाने के लिए हमें 2 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, हमने नीचे का ये पीस निकाल लिया है और ऐसे ही जो ऊपर की इसकी किनारी है उसको भी हम अच्छे से अपने सीज़र की हेल्प से कट करके अच्छे से निकाल लेंगे। और ये जो इसका बीच का पार्ट बचेगा, इसको भी हमको इधर उधर नहीं डालना है, क्योंकि इससे भी हमारा ये भी आगे काम आएगा। तो अब ये देखिए, इसका जो हमने नीचे वाला पार्ट कट किया था उसको हम ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे दूसरे वाले ग्लास के नीचे। और जो हमने ऊपर का हैंडल काट के निकाला था दूसरे ग्लास में से, उसका यहाँ पर बनाएंगे हम हैंडल। तो ये हमारी बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर एक जो है बाल्टी होली के लिए, वो तैयार हो गई है। इस तरीके से आप अपनी बाल्टियाँ जो हैं अभी बनाकर रख सकते हैं, और इनके बहुत सारे यूजेस आप ले सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि आपको किस किस तरीके से आप इन बाल्टियों को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने बीच वाला जो ये पार्ट लिया था, इसको हाफ़ कर लिया और देखिए इस तरीके से इसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फेवी बॉन्ड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने एक पूरा रोल बना लिया। ये वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं ग्लास, इसलिए मैं इसी से बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई थिक पेपर की शीट से भी इसको बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें एक कोन जैसा बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर पट्टी काटी और उसको इस तरीके से घुमाकर उसका कोन बना दिया, और पीछे से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने यहाँ पर कट करके निकाल देना है। और अब इसको हम अपने जो रोल बनाया है उसके आगे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि ये हमारा पीछे से भी खुला हुआ है, तो अब पीछे वाले हिस्से पर भी हमें बंद करने के लिए छोटा सा एक इसी ग्लास का पीस कट करके जो है वो लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको राउंड इस तरीके से कट कर लेंगे और पीछे ग्लू की हेल्प से इसको चिपका देंगे। अब हमें बनानी है पिचकारी के पीछे की डंडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मोरपंख ले रही हूँ। मोरपंख में जो पीछे की डंडी होती है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जितनी बड़ी आपको डंडी चाहिए उतनी बड़ी हम मोरपंख में से कट कर लेंगे, और पीछे हल्का सा कट लगाकर पेपर कटर की हेल्प से इसको इसमें फंसा देंगे और यहाँ पर ग्लू की हेल्प से इसको सिक्योर कर देंगे। अब देखिए, ये इस तरीके से हमें कटिंग करके 2 V की शेप की कटिंग मैंने यहाँ पर की हुई है, और इसको हम अपनी पिचकारी के दोनों तरफ लगा देंगे। अब हमारी बाल्टी और पिचकारी का जो बेस है वो तो वैसे तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर इस पर कलर वगैरह भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हल्की फुल्की सी कलरफुल लेसेस लगा रही हूँ। इससे इसका लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो देखिए, बेस में मैं ये एक कलरफुल लेस लगा रही हूँ, और ऊपर इसके हैंडल पर मैं यहाँ पर बस 1-2 पॉम चिपका दूंगी। उसी से ये बाल्टी जो है हमारी काफ़ी खूबसूरत लगने लगेगी। तो आप चाहें तो ये बाल्टी और अपनी पिचकारी को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी पिचकारी के ऊपर भी हल्की सी लेस लगा ली है, नीचे वाले हिस्से पर भी मैंने बाद में लेस लगा दी थी, और मैं अपनी पिचकारी को अपनी बाल्टी पर कुछ इस तरीके से चिपका रही हूँ। तो ये हो गई हमारी बाल्टी और पिचकारी का सेट जो है वो तैयार हो गया। अब अगर आपकी कोई होली थीम की किट्टी पार्टी है तो आप उसके लिए बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसमें आप अपनी हाउजी की टिकट रख सकती हैं, या फिर इसमें रंगिया गुलाल वगैरह भी लगा कर दे सकती हैं। और अब मैं बताऊँगी यहाँ पर आपको इससे आप बैकड्रॉप कैसे बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक डोरी ले ली है और उसको अपनी बाल्टी में इस तरीके से बांध दिया है, और यहाँ पर चाहिए हमें कुछ कलरफुल पॉम, और अब हम अपनी डोरी पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन पॉम को चिपका लेंगे। तो जैसे आपकी कोई होली की थीम पार्टी है, या फिर आप अपने गोपाल जी के लिए छोटा सा कोई बैकड्रॉप बनाना चाहते हैं होली पर, तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर आपके घर में बच्चे आते हैं होली पर, तो इस बाल्टी और पिचकारी के सेट में आप टॉफ़ीज़ भर के उसको कवर करके ट्रांसपेरेंट पन्नी से भी दे सकती हैं। तो देखिए, ये हमारी डोरी वाली जो है हैंगिंग तैयार हो गई है, और ये हमने यहाँ पे इसको आगे से चिपका दिया है जहाँ से हमने इसको बंद किया था। और मैंने इस तरीके की 6-7 जो हैं बाल्टी के सेट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं,
और अब चलते हैं, मैंने दिखाती हूँ मैंने इनको लगाया कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये एक स्टैंड जो है ये भी मैंने खुद बनाया था नवरात्रि के टाइम पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और देखिए अलग अलग हाइट पर मैंने इन बाल्टियों को टांग दिया है और नीचे एक बैठने का जो है आसन बना दिया है थोड़ा सा ऊंचाई करके, और अब हमारे लड्डू गोपाल जी इस पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इस तरीके का DIY होली के लिए बना सकती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बहुत ही आसान और खूबसूरत सा आइडिया? अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।